भारत का मेडिकल सिस्टम पूरी तरीके से तबाह होने वाला है। लोगों को विश्वास भी नहीं होगा कि डॉक्टर लोग इन लोगों के साथ ऐसी ऐसी हरकत करते हैं। असली बात जब लोगों को पता भी चलेगी तो जनता विश्वास भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, उस पर विश्वास करना ही होता है। लोहिया अस्पताल की कलेजा कपा देने वाली तस्वीर आपको हम दिखा। 9 मार्च 2016 भारत की पार्लियामेंट ने ये बात ओपनली एक्सेप्ट भी की है, और जी न्यूज के एक पब्लिक आर्टिकल के हिसाब से भारत के अंदर ना जाने कितनी फेक सर्जरी की जाती है। भारत के अंदर कम से कम 44% फेक सर्जरी की जाती है। आधी से ज्यादा सर्जरी ये सिर्फ फेक होती है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। भारत के अंदर 55% हार्ट की सर्जरी और 48% यूटिलेस सर्जरी और 47% कैंसर की सर्जरी और 58% घुटनों की सर्जरी और 45% सेक्शन सर्जरी, सभी की सभी फेक सर्जरी है। ये सारी सर्जरी बस सिर्फ पैसा ऐंठने की वजह से की जा रही है। रीजन बस एक है, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर न्यू डॉक्टर को 1 लाख रुपए महीना देते हैं, और वहीं सीनियर डॉक्टर को 1 करोड़ रुपए तक महीना भी दे देते हैं। अब सवाल यह है कि इतना सारा पैसा आता कहां से है, और इनकी सैलरी के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों रखा जाता है? क्योंकि इन सब लोगों को एक टारगेट दिया जाता है। एक रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से हर महीने उनको 1000 पेशेंट हाई ट्रीटमेंट के लिए कैसे भी करके उन सबको देना होता है। इसी वजह से एक गायनोलॉजिस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात बोली थी कि महीने के अंत में उन सब पर काफी प्रेशर बन जाता है, टारगेट अच्छा पूरा नहीं करने की वजह से वे कैसे भी कर आउट पेशेंट या फिर ओपीडी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। बस उनका सिर्फ टारगेट ऐसा ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा सर्जरी कर सके और अपना टारगेट अचीव कर सके और वे अच्छे से अच्छा पैसा कमा सके। गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता, ये सिर्फ स्वार्थ के पीछे ये सब चीजें की जाती है सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए। अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कोई भी डॉक्टर 2 महीने तक अपना टारगेट पूरा नहीं करता तो उसे मीटिंग के अंदर बुलाकर उसको वर्बली बोला भी जाता है, फिर भी वे टारगेट अच्छे से अचीव नहीं कर पाता तो फिर उसे टाटा बाय बाय बोल दिया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सिर्फ पैसा लेते हैं, चाहे पेशेंट के पास पैसा हो भी या नहीं भी, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। डॉक्टर लोग इस तरीके के स्कैम करते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता है कि सफेद कपड़ों के अंदर एक चोर बैठा है। कैसे गरीबों के पैसा और उनकी भावनाओं के साथ खेला जाता है। और ये मेडिकल की सारी इन्फॉर्मेशन हमने पद्म भूषण और पद्म विभूषण डॉक्टर BM हेकड़े के आर्टिकल के अंदर अच्छे से मेंशन है। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए हमने डिजेस्टर डीनोइस की बुक, जिसके अंदर अरुण गुप्ता और अभय गुप्ता की लिखी हुई बुक के अंदर साफ साफ मेंशन है। टाइम्स ऑफ इंडिया आज के जमाने का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, उसके अंदर भी बहुत सारे आर्टिकल ऐसे लिखे हुए हैं जिसके अंदर यह बात सामने आई कि डॉक्टर मरे हुए पेशेंट को जिंदा बताकर ट्रीटमेंट करके पैसा लेते हैं ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाया जा सके, और अंत में ये सारी सच्चाई को पब्लिक कर देता। पुलिस की चार्जशीट के अंदर यह बात भी क्लियरली मेंशन भी की है। इस नेटवर्क में पुलिस वाले और फर्टिलिज हॉस्पिटल के डॉक्टर, हॉस्पिटल का सारा स्टाफ और मेडिकल स्टाफ सारे लोग शामिल थे। उन सबको पता था कि संगीता की किडनी इनलीगली तरीके से किसी न किसी को बेची जा रही है, लेकिन इसके बाद भी किसी ने भी कोई आवाज नहीं उठाई थी। यह कोई अकेला केस नहीं, इतने बड़े भारत के अंदर बहुत सारे केस ऐसे मौजूद है और उन सबके बारे में भी किसी को भी नहीं पता। अंदर ही अंदर सबके काम चल रहे हैं, क्योंकि पैसों वालों के लिए कुछ ना कुछ रास्ता व हल निकाल लिया जाता है, पीछता सिर्फ गरीब लोग है। मेरे बस वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ यही है कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, और मैंने YouTube पर काफी इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी आप सब लोगों ने अपना प्यार नहीं दिखाया, जो कि काफी गलत है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।